नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में, हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को देहरादून में अपने आधिकारिक आवास पर तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री ने विभाजन विभीषक स्मृति दिवस पर विभाजन के पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी दी। सीएम धामी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन्होंने कहा कि मैं लाखों परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने विभाजन का दर्द सहा और अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया। देश की आजादी के एक दिन पहले का दिन है, जिस दिन करोड़ों की संख्या में नरसंहार हुआ, लोगों को अपने बसे बसाए घर छोड़कर आना पड़ा, तमाम मानवीय जो पीड़नाएं होती हैं ज्यादा से ज्यादा, वो उस समय के लोगों ने उसके लिए अपने को बलिदान किया, उसी के कारण हम सभी को आजादी मिली है। इसलिए आज के दिवस पर मैं उन सब जिन्होंने देश की आजादी में विभाजन विभीषिका का दंश झेला। देहरादून के गांधी पार्क में आज स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गांधी पार्क पहुंचे और पंचायती राज विभाग के स्वच्छता अभियान के वाहनों को 13 जनपदों के आपको बता दें कि रवानगी के लिए हरी झंडी दिखाई गई। इसके साथ ही महात्मा गांधी की स्मृति के चरण धोकर उन्होंने माल्यार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने अभियान को लेकर कहा कि स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया है और हम सभी की जिम्मेदारी है कि स्वच्छता बनाए रखें। स्वच्छता अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम ना रहे बल्कि इसमें आम जन की भागीदारी भी बहुत आवश्यक है। स्वच्छता का अभियान सभी सार्वजनिक स्थानों पर, नालों पर महापुरुषों की मूर्तियां, अन्य मूर्तियां, जो भी हमारे सार्वजनिक स्थान है उस पर सफाई का विशेष अभियान चलाया गया है। पर्यावरण के प्रति संरक्षण के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम का जो संदेश पूरे राष्ट्र के लिए दिया है, उसके अंतर्गत पूरे प्रदेश के अंदर एक पेड़ माँ के नाम लगाए जाने का काम तेजी से चलेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि चूंकि आज हमने 13 सफाई वाहन भी पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों के लिए आज यहाँ से भेजे हैं, वह भी स्वच्छता के अभियान में चलेंगे। सभी स्वच्छता के अभियान में सहभागी बने और स्वच्छ परिवेश स्वच्छ प्रदेश बनाने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ब्रिटिश उच्चायोग और इंफोसिस स्प्रिंग बोर्ड के साथ MOU हस्ताक्षरित किए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सचिव शैलेश बगोली ने ब्रिटिश उच्चायोग से डिप्टी हाई कमिश्नर सुश्री कैरोलीन रोबर्ट के साथ ट्यूनिंग स्कॉलरशिप और इंफोसिस स्प्रिंग बोर्ड के गवर्नमेंट पार्टनरशिप हेड संतोष अनंतपुरा के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के साथ छात्रों को नवाचार से भी जोड़ा जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में संस्कार और नवाचार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सतत रूप से राज्य के मानवीय संसाधनों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस देश में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। जनपद उधम सिंह नगर प्रभारी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने काशीपुर के किला मोहल्ला में भाजयुमो द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा रैली कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें हजारों लोग उत्साहित दिखे। आपको बता दें इसमें युवाओं, स्थानीय लोगों तथा व्यापारियों की बड़ी संख्या में सहभागिता दिखी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर के किला मोहल्ला से महाराणा प्रताप चौक तक तिरंगा यात्रा रैली में दो पहिया वाहन पर सवार होकर यात्रा में प्रतिभाग करते नजर आए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पिछले 3 सालों से हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। 11 तारीख से लेकर 13 तारीख पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकली। आज काशीपुर में ये तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला। क्योंकि भारत विभिन्न भाषाओं, बोलियों, जातियों का देश है, लेकिन ये तिरंगा जो हमारी आन बान शान है, पूरे देश को एक साथ
चलने की प्रेरणा इस तिरंगे से मिलती है। हमारे आज़ादी के दीवानों ने इस तिरंगों के हाथ तिरंगे को हाथ नहीं देकर संघर्ष किया था तो हमें आज़ादी मिली थी। और आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले जब 15 अगस्त आता था तो जो इंतजार करते थे 15 अगस्त आएगा, छुट्टी होगी, हम पिकनिक जाएंगे, लेकिन आज एक देशभक्ति की भावना, एक राष्ट्रभक्ति की भावना उनके साथ जागृत की है। बंदा के दिल घर घर में तिरंगा लगता है और तिरंगे की ताकत आपने यूक्रेन में देखी होगी, जब हमारे 22,000 छात्र वहाँ पर फंसे हुए थे और जब मोदी जी ने पुतिन और जेलेंस्की से बात की, उनका तिरंगा जिनके हाथ में होगा वो सुरक्षित बाहर निकलेंगे। भारत के बच्चे जो निकले बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वहाँ के बच्चों ने भी तिरंगा हाथ में लिया और वहाँ से निकले। ये तिरंगे की ताकत है और इस तिरंगा यात्रा के अवसर पर मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ कि आपने इससे भाग किया और मैंने तिरंगे की ताकत का एहसास आपको कराया, इसलिए सब लोग अपने घर में तिरंगा। रुड़की के आपको बता दें कि नेहरू स्टेडियम में महाराणा प्रताप चौक तक बाइक तिरंगा रैली निकाली गई। इसमें हजारों की संख्या में युवा हाथों में तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर निकले। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और बाइक तिरंगा रैली में खुद बाइक पर सवार होकर रैली का नेतृत्व किया। सीएम धामी के साथ बाइक पर भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गौरव कौशिक मौजूद रहे। सीएम धामी के नेतृत्व में बाइक तिरंगा रैली नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर मुख्य बाजार, नगर निगम, सिविल लाइन से होते हुए महाराणा प्रताप चौक पर रैली का समापन हुआ। मुख्यमंत्री जी आज हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत तिरंगा बाइक रैली में आए थे और पूरा रुड़की क्षेत्र जो है वो बाहर था, आप पूरे बाजार देख सकते हैं, लोगों में जबरदस्त उत्साह था और इस समय भी राष्ट्रभक्ति के पूर्ण सभी परिपूर्ण हो रखे हैं और इस समय आप माहौल देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा कोई फेस्टिवल है और यही हमें करना भी है। हर घर तिरंगा होना चाहिए, हर घर तिरंगा हम पहुँचा रहे हैं, तिरंगा फहराएं अपनी छतों में, अपनी बालकनियों में और राष्ट्र निर्माण में ये राष्ट्र धर्म भी निभाएं। युवा मुख्यमंत्री जब युवाओं के साथ निकलेंगे तो जोश और खरोश के साथ तो निकलेंगे ही और पूरा जोश भर गए हैं पूरे क्षेत्र में और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि पूरा हमारा क्षेत्र जो है, अब ये देखिए तिरंगे की जो ये यात्रा है ये अगले दो दिन तक हर घर तिरंगा का जो हमारा काम है वो पूर्ण करेंगे हम लोग। उत्तराखंड में धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज है। वर्तमान में धामी सरकार के मंत्रिमंडल में 4 पद खाली पड़े हैं जिनको भरने के लिए भाजपा संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, ऐसे में अब जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अंतिम दौर की वार्ता शीर्ष नेतृत्व से होनी है, उसके बाद जब भी मुख्यमंत्री चाहेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। देखिए अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लोकसभा का चुनाव निपट चुका है और हमको भी अब लगता है कि बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार राज्य के अंदर हो जाएगा। अंतिम दौर की वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व से होनी है, उसके बाद जब भी मुख्यमंत्री चाहेंगे। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में 15 अगस्त से पहले बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हरिद्वार के कनखल पहुंचकर लोगों को तिरंगा झंडा वितरित किया। भाजपा विधायक मदन कौशिक और अन्य भाजपा नेताओं के साथ भाजपाइयों ने घरों और दुकानों पर तिरंगा झंडा देकर लोगों से झंडा लगाने की अपील की। दुष्यंत गौतम ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा लगाकर हम राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। समस्त भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रवादी लोगों ने मिलकर ये राष्ट्रीय ध्वज है, घर घर तक लगना चाहिए, दुकानों पे लगना चाहिए, सभी जगह पहुंचना चाहिए, जिससे कि अपने मन में एक भाव होता है देश के प्रति। आज हम देख रहे हैं ओलंपिक में हमें गोल्ड मेडल नहीं मिला तो हमारा ध्वजा नहीं फहराया, बड़ा दुख है पूरे देश को, लेकिन उसकी भरपाई हम ध्वज द्वारा अपने घर पर भी लगाएंगे, मन में भाव पैदा होगा। देश हमेशा
कुछ सब कुछ हमें देता है, हमें भी कुछ देना सीखना चाहिए। इसलिए एक जज्बा पैदा करने के लिए हम लोगों को ध्वज दे रहे हैं, दुकान पे हमारी तरफ से लगाएंगे और घर में पड़ोस में खरीद कर वो खुद लगवाएंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अल्मोड़ा पुलिस ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पीचा ने तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हाथों में तिरंगा थामे और देशभक्ति नारों के साथ पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों ने तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लिया। पुलिस कार्यालय अल्मोड़ा से शुरू हुई तिरंगा बाइक रैली माल रोड, लक्ष्मेश्वर लोअर माल रोड, पांडे खोला होते हुए रघुनाथ सिटी मॉल पहुंची, जहां पर रैली का समापन किया गया। कल हमारा देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है, जिसको लेके पुलिस हमेशा अलर्ट भी रहती है, अवेयर भी रहती है और लोगों को भी अवेयर करती है। उसी अवेयरनेस को करने के लिए ही अभी एक हम बाइक रैली निकाले हैं, जिसमें मुख्य उद्देश्य है कि जो लोगों को हमारे देश की आज़ादी के प्रति अवेयर करना, उसका वैल्यू को समझाना, साथ साथ में जो हर घर तिरंगा है, जो ध्येय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने दिया है, कहा है, तो उसके लिए लोगों को अवेयर करना कि हमें तिरंगे का कितना क्या महत्व है और हमारे घरों में हर घर में तिरंगा होना चाहिए तथा हमारा एक राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जो अटैचमेंट होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, उसके लिए लोगों को अवेयर करने के लिए ये यात्रा निकाली जाए। कहाँ से कहाँ तक निकाली? देखिए, ये यात्रा हमने पुलिस ऑफिस से शुरू की है, जो कि लगभग पूरे अल्मोड़ा में मॉल रोड, अपर मॉल रोड, लोअर मॉल रोड करते हुए राउंड लगाते हुए लास्ट में हम जो मॉल है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के मोहान में प्रभागीय वनाधिकारी कालाघट टाइगर रिजर्व प्रभाग लेंस डाउन के निर्देश पर वन क्षेत्राधिकारी मंदाल रंज अजय सिंह रावत के नेतृत्व में राजकीय इंटर कॉलेज मोहान के छात्र छात्राओं व वन कर्मी क्षेत्र जनप्रतिनिधि व स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर मोहान क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए गए, साथ ही हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान भी किया गया। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार तिरंगा यात्रा कार्यक्रम हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज राजकीय इंटर कॉलेज मोहान के छात्र छात्राओं के साथ तिरंगा यात्रा का आयोजन मंदाल रेंज मोहान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग लंचडाउन द्वारा किया गया। जसपुर में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास परियोजना शहरी में ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तिरंगा बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने अपने क्षेत्र में देश की आन बान शान के प्रतीक तिरंगे महोत्सव की जागरूकता अभियान को लेकर हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के अलग जगाते हुए अभियान के अंतर्गत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शहर के वार्ड सभासदों व नगर के समाज सेवियों ने प्रतिभाग किया। आदेश भी प्राप्त हुए हैं कि हर आंगनबाड़ी में अपने एरिया में जो है हर घर तिरंगा महोत्सव का आयोजन किया जाना है। तो इसी आदेश के तहत जो है सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा सामूहिक रूप से आज वार्ड नंबर 4 पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें वहाँ के पुरुष वर्ग भी थे और महिला वर्ग भी थी, किशोरी बालिकाएँ जो वहाँ सम्मिलित हुई हैं और हमारी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर एक के हाथ में एक झंडा देके उत्सव की तरह इस आयोजन को आज मनाया गया है, जिससे कि पूरे एरिया में क्षेत्रवासियों में जो है काफ़ी उत्साह से बना रहा है। ये पूरे विभाग को हर जगह पर इसका आयोजन करना है, ये ग्रामीण क्षेत्र में भी है और शहरी क्षेत्र में भी। अंतर्गत जो है हमें स्वच्छता अभियान भी किया जाना है, जहाँ पर भी गंदगी हो अपने आसपास जो है स्वच्छता अभियान भी इस कार्यक्रम में कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को भी करेंगे। हरिद्वार कॉरिडोर के खिलाफ कांग्रेस आंदोलनरत है। कांग्रेस ने हरिद्वार कॉरिडोर के खिलाफ 9 से 14 अगस्त तक हरिद्वार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता रैली निकालकर प्रदर्शन किया और आज हरिद्वार कॉरिडोर के खिलाफ सब्जी मंडी में जन आक्रोश सभा करके हरिद्वार कॉरिडोर के खिलाफ आवाज बुलंद की है। जन आक्रोश सभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महारा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर हरिद्वार कॉरिडोर की DPR को सार्वजनिक किए जाने की मांग की। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिस तरीके से बनारस में और अयोध्या का एक्सपीरियंस रहा है,
कि वहाँ लोगों के कारोबार टूट गए, उनके घर टूट गए, उनकी दुकानें टूट गई और आज तक वो मुआवजे के प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। तो बहुत ही खतरनाक है। और हरिद्वार एक ऐसा है जिसके अगर आप माँ गंगा लोगों की दुकानें और शहर बसा हुआ है, अगर ऐसे में अगर सब तोड़फोड़ होगी तो इतने लोग जो हजारों लोगों का कारोबार है, परिवार चलते, इनका क्या होगा? इसका कोई वैकल्पिक रास्ता सरकार को निकालना चाहिए। और जो डीपीआर ऑलरेडी बनी हुई है जिसको देख रहे की माँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं, अभी तक डीपीआर को सार्वजनिक नहीं किया गया, उसको लेके आक्रोश है। और इसीलिए मैं इनके आंदोलन में समर्थन के लिए आया हूँ ताकि आगे को आने वाले समय पे इस पर सरकार से बातचीत हो सके और जो यहाँ के लोगों का कारोबार उसको बचाने के लिए जो भी हम कर सकते हैं उसको करें। देखिए, सरकार को लगता है कि वो हमेशा सरकार में रहेंगे और ऐसा होता नहीं है। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े लोग चले गए तो ये भी चले जाएंगे, कोई बड़ी बात। जहाँ जनता खड़ी हो जाती है तो चाहे देर लगे लेकिन उसमें कुछ ना कुछ असर उसका आता है। और हमेशा के लिए कोई सत्ता में नहीं बैठता, जो अच्छे काम करेगा, लोगों के हित की बात करेगा वो सत्ता में आएगा, रहेगा और अच्छे कार्य करेगा, वो लंबा चलेगा, जो नहीं चलेगा वो हटेगा। देखिए, आज तो बातचीत है और जो जो आवश्यकता पड़ेगी कानूनी राय भी लेंगे, आंदोलन भी करेंगे, सरकार से वार्ता भी करेंगे, जो बेहतर लगेगा उसको हम काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नाटक के अलावा कुछ नहीं करती। अयोध्या में नाटक किया, सजा मिल गई। बद्रीनाथ में उन्होंने मास्टर प्लान के तहत लोगों को उजाड़ने का काम किया, सजा मिल गई। केदारनाथ के संग क्या किया, हमारे धर्म भूमि के साथ वो क्या कर रहे हैं, हमारे संस्कृति के साथ क्या कर रहे हैं, सबको पता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्या करे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं पब्लिक के साथ। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहिए एएनवी न्यूज। नमस्कार।